पठान ऑफिशियली बिकम्स द फास्टेस्ट 400 करोड़ ग्रॉसर एवर इन द हिस्ट्री ऑफ हिंदी फिल्म एवर इन द हिस्ट्री। भाई हर दिन उठती है, सुबह उठती है, उठकर जाती है, 100 करोड़ मारती है, वापस आती है, सो जाती है। फिर झूमे जो पठान बोल के उठ के जाती है, 100 करोड़ मारती है, वापस आके सो जाती है। फिर सुबह उठती है, बेशरम रंग बोलकर जाती है, 100 करोड़ मारती है, वापस आकर सो जाती है। मतलब रोज़ उठो, रिकॉर्ड मारो और वापस आके सो जाओ। मतलब इस लेवल का दर्दनाक कमबैक, इस लेवल का दर्दनाक कमबैक भाई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैं तो सोच रहा था कि जवान भी इसका 70% करेगी, अपना मतलब अपना पूरा फुल पावर लगाकर भी इसका 70% करेगी। वो तो छोड़ दो, वो तो अब तो उसको छोड़ दो, अब तो वो लीग से बाहर हो गई वो फिल्म, अब तो लीग ही नहीं है, लीग में नहीं है वो फिल्म, लीग से बाहर हो चुकी है वो फिल्म। अब तो मतलब इतना डेंजरस हो गया कि किसी का कोई हद नहीं है। तो इट्स ऑफिशियल, जो कि कल का कलेक्शंस 110 to 112 जो कि अर्ली एस्टिमेट्स है, वो मिलाकर टोटल पूरा का पूरा 4 दिन का कलेक्शन हुआ 420 करोड़, 420 to 430 करोड़ सिर्फ 4 दिन का कलेक्शन। ये फिल्म पर मतलब 4 दिन के अंदर ब्रह्मास्त्र का लाइफ टाइम कलेक्शन जो कि वर्ल्ड वाइड के अंदर सिर्फ 4 दिन के अंदर तोड़ दिया, सिर्फ 4 दिन के अंदर तोड़ दिया। और अपना हाईएस्ट ग्रॉसर, जो अपना हाईएस्ट ग्रॉसर वर्ल्ड वाइड में चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, इंडिया नेट कलेक्शंस में भी हाईएस्ट ग्रॉसर, ये सब टोटल धूम 3 ये सब जो बड़ा 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 बॉलीवुड की सबसे बड़ी बड़ी मतलब सबसे वेट वाली फिल्म, सारी फिल्म को सिर्फ 5 दिन 1 हफ्ते के अंदर तोड़ेगा। मतलब पूरा बॉलीवुड खत्म हो चुका होगा 7 दिन के अंदर, 7 से 8 दिन के अंदर पूरा बॉलीवुड का जितना रिकॉर्ड है, मतलब लाइफ टाइम रिकॉर्ड मैं बात कर रहा हूँ, ओपनिंग का नहीं, लाइफ टाइम रिकॉर्ड जितना होगा वो 7 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। मतलब दंगल वर्ल्ड की नहीं बात कर रहा हूँ मैं इंडियन नेट कलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। मतलब 7 दिन के अंदर बॉलीवुड की जितने भी फिल्म है सब कुछ खत्म हो चुके होंगे, सब के सब खत्म हो चुके होंगे। इस फिल्म ने मतलब हिस्ट्री के पन्नों में इस फिल्म का नाम जो है ना बोल्ड लेटर्स में लिखा जाएगा कि एक फिल्म आई थी, पूरा इंडस्ट्री डूब चुका था, एक है 4-5 डिजास्टर दे रहा था और दूसरा है वो तो छोड़ दो, 4 साल लेकर इतनी घटिया घटिया फिल्में लाकर सिर्फ 50 करोड़ कमा रहा था। तो एक फिल्म आती है हिस्ट्री में और वो फिल्म राजा का होता है, वो खुद जो किंग आता है 4 साल बाद, 4 साल में बहुत कुछ हो चुका होता है बॉलीवुड में, पूरी बॉलीवुड समाप्त हो चुकी होती है, कोई भी कुत्ता आता है चढ़कर बॉयकॉट बॉलीवुड लिखता है। ये 4 साल में हुआ, ये आखिरी बार 2018 के बाद तो हुआ ही नहीं, मतलब ये 2019-20 के बाद ये शुरू हुआ, 20 के बाद शुरू हुआ ये। तो राजा आता है, ख़त्म करके जाता है। तो 4 दिन का 420 करोड़ क्योंकि फास्टेस्ट 400 करोड़ वर्ल्ड वाइड, फास्टेस्ट 200 करोड़ इंडियन नेट कलेक्शंस जो कि ऑलरेडी हो चुका है 4 दिन के अंदर 220 करोड़, फास्टेस्ट के रिकॉर्ड, सारे रिकॉर्ड्स को बड़े 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 मार्जिन से तोड़ते हुए जा रहा है। अगर इस फिल्म को, इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन क्या होगा वर्ल्ड वाइड में भी, इंडिया नेट कलेक्शन में भी, किसी को नहीं पता। मैंने पहले ही बोला जब ये लोग 400 का टारगेट कर रहे थे, मैंने उसी टाइम बोला 400 का टारगेट नहीं करो, ये फिल्म 500 का टारगेट कर रही है। 400 सब बहुत पीछे हो गया, 400 12 दिन के अंदर ही बना देगा, ये 10-11-12 दिन है ना, उतना में 400 के अंदर घुसे गए। मतलब अगला का अगला संडे, ये संडे, अगला संडे, अगले संडे तक, अगले के अगले संडे तक ये फिल्म 400 के अंदर घुस चुकी होगी, बहुत घुस के बहुत आगे निकल चुकी होगी। टारगेट 500 करोड़ है, 500 करोड़ टारगेट है इस फिल्म का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन से। भाई कभी सोचा ही नहीं, जिस मतलब जो जगह पे 250 करोड़ नहीं बन रहे थे, वो जगह में राजा की फिल्म आती है 4 साल बाद, जिसको सब बोल रहे हैं कि बुढ़ा हो गया, ख़त्म हो गया, बंदा आता है 4 साल बाद 500 करोड़ करके। ये जो नए नए छपरी पैदा हुए नहीं, छपरी जो लब लोबर्स सिनेमा लोबर्स, छपरी को दिखा दिया, बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो वीडियो।